सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिल सके हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप नए यूट्यूबर्स हैं और आप इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि आप अपनी वीडियो को फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर कर करके आप अपनी वीडियो के व्यूज बढ़ा सकते हैं, आप अपनी वीडियो के ऊपर वॉच टाइम लेकर आ सकते हैं, आपके सब्सक्राइबर इंक्रीज हो जाएंगे, आपका चैनल ग्रो हो जाएगा, तो दोस्तों रुक जाइए, अभी सोशल मीडिया के ऊपर शेयरिंग कर दीजिए बंद। आप सब लोग जानते हैं कि YouTube नए यूट्यूबर्स के लिए बहुत ही सख्त पॉलिसीज जो है वो ला रहा है। अब ऐसे में खबर ये भी आई है कि अगर आप अपने चैनल के ऊपर, अपनी वीडियोस के ऊपर शेयरिंग के जरिए, यानी कि एक्सटर्नल लिंक के जरिए, किसी और वेबसाइट से किसी और लिंक के जरिए अगर आप लेकर आते हैं ट्रैफिक, तो वो आपका चैनल जो है वो मोनेटाइजेशन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर जब आप 4000 घंटे पूरे कर लेते हैं, 4000 घंटे के बाद आप 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लेते हैं और फिर आप अप्लाई करते हैं मोनेटाइजेशन के लिए और ऐसे में आपकी मोनेटाइजेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो सोचिए कितना दुख होगा आपको कि आपने 1 साल 1.5 साल 6 महीने या जितने भी मेहनत की है, उस मेहनत के बाद यूट्यूब आपकी मोनेटाइजेशन को रिजेक्ट कर देता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मसला ये है कि फिर हम अपने चैनल को ग्रो कैसे करें जब यूट्यूब ने इतनी सख्त पॉलिसी जो है वो लेकर आ चुका है और यहाँ पे उनका कहना है कि आप फेसबुक के ऊपर शेयर करेंगे तो अगर 20% से ज्यादा आपके जो व्यूज है वो अदर एक्सटर्नल लिंक से आते हैं, तो ऐसे में आपकी जो मोनेटाइजेशन वो नहीं की जाएगी। और दोस्तों, यहाँ पे आप एक बड़ा मसला ये भी पैदा हो गया कि अगर आपका चैनल एक दफा आप रिव्यू के लिए एप्लीकेशन देते हैं वो रिजेक्टेड हो जाती है, तो आप दूसरी दफा जो है वो रिव्यू के लिए अपने चैनल को दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों तीसरी दफा बहुत मुश्किल हो जाएगा कि यूट्यूब वाले आपके मोनेटाइजेशन को करें ऑन। तो ऐसे में मैं आपको आज बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना यूट्यूब चैनल यूट्यूब के जरिए ही ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप लेकर आ सकते हैं इन एक्स्ट्रा जो व्यूज है, एक्स्ट्रा वॉच टाइम है, एक्स्ट्रा सब्सक्राइबर है अपने यूट्यूब के जरिए। तो दोस्तों, ऐसे में आप सभी लोग जानते हैं कि जो यूट्यूब है वो बेसिकली जो दे रहा होता है, जो सुजेस्टेड वीडियो होती है, रिकमेंडेड वीडियो होती है, अगर इस तरीके से आपके वीडियो के व्यूज आते हैं, आपके वीडियो के सब्सक्राइबर आते हैं, तो वो बेसिकली लीगल तरीके से होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपनी वीडियो का जो लिंक है उस लिंक को दूसरों की वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालते हैं और कहते हैं कि हमारी वीडियो को देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे में भी यूट्यूब की जो कम्युनिटी गाइडलाइन है उसकी खिलाफ वर्जी हो रही होती है। तो अब क्या तरीकाकार रह गया है? दोस्तों, तरीकाकार अब ये रह गया है कि मैं आपको बताऊंगा हैशटैग का इस्तेमाल करना। जी हाँ, आप अपने वीडियो के जो अंदर है वो हैशटैग का इस्तेमाल करें, अपने चैनल के अंदर जब आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर आप हैशटैग अपने चैनल के नाम से यूज करें, और जब दूसरों की वीडियो के अंदर आप कमेंट बॉक्स में जाते हैं, दूसरों की वीडियो देखते हैं, वहां पे आप अपना हैशटैग अपने चैनल का इस्तेमाल करें और लोगों को कहें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका सारा जो तरीकाकार है वो मैं आपको अपने लैपटॉप के अंदर समझा दूंगा कि किस तरीके से हैशटैग को बनाना है, किस तरीके से हैशटैग को लेकर आना है, किस तरीके से अपने चैनल को ग्रो करना है, ये मैं आपको अपने लैपटॉप में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप सोशल मीडिया से ट्रैफिक ले रहे हैं तो अभी से अपनी ट्रैफिक को स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि अगर आपकी ट्रैफिक हर वीडियो के ऊपर 20% से ज्यादा हो गई तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो दोस्तों, 20% आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी वीडियो के ऊपर जो एक्सटर्नल लिंक है वो कहाँ से आते हैं, कितने आते हैं? इसके लिए आपको अपने एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन YT स्टूडियो, यानी कि यूट्यूब स्टूडियो के नाम से इंस्टॉल करना पड़ेगी। वो भी मैं आपको करके दिखा दूंगा कि किस तरीके से आप करना है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले आपको मैं यूट्यूब स्टूडियो की एप्लीकेशन डालकर समझा देता हूँ कि कैसे आपने उसको यूज करना है, किस तरीके से आपने उसको यूज करना है और किस तरीके से आप उसके ऊपर जो है चेक कर सकते हैं कि आपके एक्सटर्नल लिंक 20% है या 20% से ज्यादा है। अगर 20% ज्यादा है तो अभी से स्टॉप कर दीजिए। जब तक आपके 4000 घंटे आपकी मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होती है, आपको बहुत ही बी केयरफुली से काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये मोनिटर अगर आपके एक्सटर्नल लिंक ज्यादा हो गया और आपकी जो एप्लीकेशन दो आपके जो चांस दिए जाएंगे वो रिजेक्टेड होगी, तो आप बहुत दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है इस बात का कि हम इतनी मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद जो है वो यूट्यूब हमारी जो एप्लीकेशन है उन्हें रिजेक्ट कर देता है। तो दोस्तों, शेयरिंग फिलहाल आप स्टॉप कर दीजिए। अगर आपकी वीडियो के ऊपर 1000 व्यूज आता है तो आप कम से कम 100 व्यूज जो है वो बस 22 से लेकर आए, इससे ज्यादा जो व्यूज है वो 22 से ना लेकर आए, क्योंकि 10% ना रखें। अगर आप ज्यादा रखेंगे तो वो आपके लिए नुकसान देंगे और आपकी जो रिव्यू एप्लीकेशन है वो स्टॉप हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि एप्लीकेशन के जरिए आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके एक्सटर्नल लिंक कितने हैं, कितना आपने जो है वो एक्सटर्नल लिंक बाहर से आए हैं और आपका जो
अपना YouTube के अंदर से जो आपको व्यूज और वॉच टाइम मिलते हैं वो आप कैसे चेक करते हैं। उसके बाद मैं लैपटॉप में जाता हूँ, लैपटॉप में जाने के बाद आपको बताता हूँ कि आप हैशटैग के जरिए कैसे अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं, कैसे अपने व्यू बढ़ा सकते हैं, अपना वॉच टाइम बढ़ा सकते हैं और अपने सब्सक्राइब बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे, रोजाना आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल के अंदर। मोबाइल के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद एक YT स्टूडियो यानी कि YouTube स्टूडियो की जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल करनी है। ये एप्लीकेशन आपको बताएगी कि आप किस तरीके से कि कितने जो एक्सटर्नल लिंक हैं वो आपके पास आ रहे हैं जो आप 20% से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप 20% से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो आपको काफ़ी जो है वो नुकसान देगा आपकी मोनेटाइजेशन ऑन करने के अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख लें कि ये मेरी काफ़ी वीडियोस यहाँ पे अपलोड हो चुकी हैं और यहाँ पे मैं इस वीडियो को चेक करवा देता हूँ। तो आपने इसको ओके करना है। किसी भी वीडियो को अगर आप चेक करना चाहते हैं कि उसके ऊपर जो अदर व्हाट्सएप या सोशल मीडिया से जो ट्रैफिक आ रही है वो कितनी है, तो मैं यहाँ पे व्यू मोर के अंदर आ जाता हूँ। व्यू मोर के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको डिस्कवरी का ऑप्शन आ रहा है, तो डिस्कवरी के ऑप्शन के अंदर आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख लें कि टॉप एक्सटर्नल सोर्स लास्ट 28 डेज के अंदर वो कोई भी नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ से चेक नहीं करना है, आपको चेक करना है यूट्यूब ट्रैफिक सोर्सेज टाइप के अंदर। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लास्ट 28 दिनों की जो है वो मिल जाती है ट्रांजैक्शन के कितना जो है वो यूट्यूब क्या कर रहा है। तो सबसे पहले यूट्यूब सर्च है जो 76% है कि जो लोग मेरी वीडियोस को यूट्यूब के ऊपर से सर्च कर रहे हैं वो 76% है, ठीक है। उसके बाद ब्राउज फीचर है, यूट्यूब फीचर है और उसके बाद काफ़ी हैं। अब यहाँ पे मेरे पास जो है वो एक्सटर्नल लिंक नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि इस वीडियोस के ऊपर मेरे ख्याल में कोई भी एक्सटर्नल लिंक नहीं आया है और मैंने इसको शेयर भी नहीं किया है। तो चलिए अब मैं आपको दूसरी किसी और वीडियो के अंदर लेकर जाता हूँ जहाँ मैंने उनको शेयर भी किया है। तो चलिए मैं आपको अपनी पहली वाली वीडियो में ले जाता हूँ, ठीक है। इस वीडियो को मैंने ओपन किया, यहाँ पे मैं जाता हूँ व्यू मोर के अंदर, डिस्कवरी में गया। डिस्कवरी में जाने के बाद यहाँ पे मैं यू ट्रैफिक सोर्स टाइप पे जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्सटर्नल का सेकंड पे ऑप्शन आ रहा है जो कि है 31%, जो कि बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, ठीक है। आपको ये 20% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए वरना आपकी जो यूट्यूब मोनेटाइजेशन रूल होगा उसके अंदर ये आपको बहुत नुकसान देगा और आपकी मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगी। तो आपने यहाँ पे जाना है और लाइफ टाइम को सिलेक्ट कर लेना। जब आप लाइफ टाइम को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक्सटर्नल जो है वो 32.9% आ रही है जो कि बहुत कम है, लेकिन अभी कुछ दिनों में इंशाल्लाह इस वीडियो के व्यू जो है बढ़ जाएंगे तो ये जो एक्सटर्नल लिंक है ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि YouTube से ऑटोमेटिक व्यूज़ बढ़ेंगे तो जहरी बात है ये एक्सटर्नल लिंक ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। लेकिन कोशिश ये करनी है कि आपका जो 10% है इससे ज़्यादा ना जाए, वैसे YouTube की जो शर्त है वो है 20% की। तो दोस्तों ये तरीका कार है कि आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपके एक्सटर्नल लिंक के ऊपर से जो वीडियो के ऊपर व्यूज़ आ रहे हैं वो आप कैसे चेक करते हैं। अब मैं आपको बताऊँगा अपने लैपटॉप के अंदर कि आप अपने चैनल को विदाउट सोशल मीडिया के किस तरीके से यूट्यूब में ही ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप में। फ्रेंड्स लैपटॉप के अंदर मैं आ चुका हूँ। अब मैं आपको आपको बताऊंगा कि सोशल मीडिया से हट के यूट्यूब को यूट्यूब के ऊपर ही किस तरीके से अपने चैनल को अपने सब्सक्राइबर को ग्रो किया जा सकता है। फ्रेंड्स यूट्यूब को करें ओपन और ओपन करने के बाद आप अपनी जिस वीडियोस को ग्रो करना चाहते हैं उस वीडियो को ओपन अपने वीडियो मैनेजर में जाएं सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे मैं जाता हूँ क्रिएटर स्टूडियो के अंदर, तो यहाँ से आप सिंपली यूट्यूब के अंदर से जो आपको व्यूज़ मिलेंगे उसका यूट्यूब के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपके चैनल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप वहाँ से जेन्युइन तरीके से अच्छे तरीके से जो है वो व्यूज़ और सब्सक्राइबर लेकर आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपने, अच्छा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये काफ़ी वीडियोज़ हैं। अब ये जो मेरी वीडियोज़ है ये ऐसी वीडियो है कि आप जैज़ की सिम के ऊपर 100 रुपये के ऊपर 150 का लोड कैसे लेकर आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने इस वीडियो का जो लिंक है वो कॉपी नहीं करना, क्योंकि कॉपी अगर हम इस वीडियो के लिंक को करेंगे और दूसरी वीडियोस के अंदर हम इसको शेयर करेंगे तो वो हमें लिंक के ऊपर जो यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन है उसके ऊपर हमें स्ट्राइक दे सकता है, तो इससे भी हमें थोड़ा बच के रहना है। हम यूट्यूब के ऊपर सर्च करते हैं कि जैज़ पैकेजेस, ठीक है, जैज़ बेस्ट ऑफर लिख देते हैं, ठीक है, जैज़ बेस्ट ऑफर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे सामने काफ़ी जो वीडियोस हैं वो ओपन हो चुकी हैं, ठीक है। इनके ऊपर आप व्यूज़ भी देख सकते हैं कि कितने कितने व्यूज़ आए हुए हैं, ठीक है। हम इनको करेंगे ओपन, किसी एक वीडियो को ओपन कर लेते हैं। आपने एक में नहीं बल्कि उस रिलेटेड ही आपने वीडियो निकाली है जो आपकी वीडियोज़ होगी, ठीक है। तो सिंपली नीचे कमेंट बॉक्स में आपने आना है और यहाँ पर हमने करना है अपने हैश टैग का इस्तेमाल, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ पर लिखें नाइस वीडियो, नाइस वीडियो आप लिख दी, नीचे लिखना है फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो,
वीडियो, ठीक है आप यहाँ पे लिख दें फॉर मोर सी इंटरेस्टिंग वीडियो, ठीक है, क्योंकि मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल सब्स। अब यहाँ पे आपने ना तो अपने चैनल का लिंक देना है ना ही अपने किसी वीडियो का लिंक देना है, ठीक है, उसे कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे डालना हैश टैग, और यहाँ पे जो आपका चैनल का नेम होगा वो आपने डाल देना है, ठीक है। मेरे चैनल का नेम है एच डी फन मज़ा, लेकिन मैंने यहाँ पे एच डी फन मज़ा 1 लिखा है, क्योंकि मैंने जो अपने चैनल का जो स्पेशल जो होता है एक यूआरएल वो क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप अपने चैनल का जो ये नेम डालना है, ठीक है, इसको करें कॉपी और यहाँ पे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अब साथ में आपने ये करना है कि यहाँ पे नीचे जो कमेंट आए होंगे वहाँ पे इनको रिप्लाई करके आप पेस्ट कर दें, ठीक है। 4 से 5 जो है वो रिप्लाई आपने एक वीडियो के अंदर कर देने हैं, ठीक है। इससे जो जिसके पास रिप्लाई जाएगा वो आपके इस लिंक को ओपन करेगा, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर लिंक करके दिखाता हूँ कि ये देखें, ये जो हैशटैग मैंने डाला, जब बंदा इसके ऊपर क्लिक करेगा तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। ये देखें, ये मेरे चैनल की जो टॉप वीडियो हैं इस वक्त सामने आ रही हैं। तो जहरी बात है, जब बंदा यहाँ पे आएगा किसी वीडियोज़ को ओपन करेगा, और ओपन करने के बाद उसे वो वीडियो अच्छी लगेगी तो आपके चैनल को जो व्यूज़ हैं वो भी बढ़ेंगे, वॉच टाइम भी बढ़ेगा, और आपके यहाँ से सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो आपने काम करना है वो ये करना है कि जब आपने अपनी वीडियोस को अपलोड करना है, ठीक है, या आपकी जो वीडियोस हैं वो पहले से अपलोड हैं, उसके अंदर आपने हैशटैग का इस्तेमाल लाजमी करना है, ठीक है। उससे ये होगा कि जब आप कमेंट बॉक्स में अपना हैशटैग डालेंगे तो आपकी ये वीडियोस भी सामने आ रही होंगी। क्यों? क्योंकि इनके अंदर भी हैशटैग होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि जब हैशटैग हमेशा आपके हैशटैग के साथ ही जो एक्सटर्नल लिंक होती हैं उन्हें सपोर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं हैशटैग डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जब मैंने हैशटैग डाला है तो जो बंदा मेरे हैशटैग पे क्लिक करेगा उसके सामने ये वाली वीडियोस भी आ जाएगी, ठीक है। इससे हमें काफ़ी फायदा होगा, इससे हमारे जो व्यूज़ हैं वो काफ़ी बढ़ेंगे, इससे हमारे सब्सक्राइबर काफ़ी बढ़ेंगे, इससे हमारे जो चैनल है वो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा मेथड है, बहुत ही अच्छा मेथड है, आप इसको इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको हमारी ये ट्रिक कैसी लगी है। जी हाँ दोस्तों, तो आपने देखा कि आप वाइट स्टूडियो के जरिए अपने एक्सटर्नल लिंक को किस तरीके से चेक कर सकते हैं, और लैपटॉप के अंदर मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से अपने चैनल को हैशटैग के जरिए ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो थी आज की हमारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक लाजम कीजिएगा, शेयर लाइक कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमें थोड़ा हौसला हो जाता है कि वाकई लोग हमारी वीडियो को पसंद करते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।